ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। पैनाखेड़ा समुदाय को केंद्र से 27% आरक्षण देने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। सोमवार को पैनाखेड़ा संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने जोशीमठ नगर में विशालकाय जुलूस प्रदर्शन किया। लोगों ने जोशीमठ मुख्यालय चौराहे से तहसील प्रांगण तक जुलूस निकाला। तहसील प्रांगण में पहुंचे लोगों ने SDM जोशीमठ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि पैनाखेड़ा समुदाय को केंद्रीय सूची में दर्ज कर 27% आरक्षण दिलवाया जाए ताकि सीमांत क्षेत्रों के पिछड़े लोगों के लिए कुछ नए रास्ते खुल सके। के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूर्व सरकार ने यहाँ पे पैनखंडा जोशीमठ को राज्य से 14% का आरक्षण दिया था, लेकिन वर्तमान में पूरे पैनखंड की यही मांग है कि केंद्र से 27% का आरक्षण मिले। और इस बाबत में हमने 10 दिन पहले यहाँ पर माननीय उत्तराखंड सरकार को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था। उसमें ये बताया लिखा था कि अगर कोई इसमें निर्णय नहीं लिया सरकार, तत्काल सरकार, तो हम यहाँ पे एक बृहद आंदोलन करेगी। तो यहाँ पे आज वो चेतावनी है पूरे संघर्ष समिति के तत्वाधान में और पूरे यहाँ पे जनमानस यही वो है कि अगर तत्काल यहाँ पे अगर उत्तराखंड सरकार इसमें केंद्र की सूची में इस जोशीमठ पैनखंडा को शामिल नहीं करती है तो आने वाले समय में पूरा पैनखंडा जो है चुनाव बहिष्कार करेगी। और अभी आज यहाँ पे एक छोटा सा ज्ञापन दिया है, उसके बाद जो भी रणनीति होगी इसके बाद आगे तय किया जाएगा। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड।